क्रिएटिनिन आप बंद कर दो। एयरफॉल का भी इश्यू रहता है कि मेरे सामने दो लड़के थे, मतलब उनको स्टोन हो गया था, लोडिंग और नॉर्मल। जो बिगनर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन करी है, उनको लेना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपको इन फ्यूचर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। व्हाट्सअप गाइज, आजकल यार क्रिएटिन को लेके बहुत ज्यादा डाउट है, मतलब सबके अंदर डाउट होता है कि क्रिएटिन कैसे लेना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं जिम जा रहा हूँ 2-3 साल से, तो मेरे जैसे लोगों को लेना चाहिए कि बिल्कुल जो बिगनर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन करी है, उनको लेना चाहिए। जैसे कि मेरा भाई है एक, हाँ ध्रुव तुम आप, जैसे बिगनर है बिल्कुल अभी, मतलब इसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जिम करते हुए। तो तुम्हारा बॉडी वेट कितना है? 45 kg। भाई आप लोगों को स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ध्रुव काफ़ी ज़्यादा स्किनी है, बिगनर है एंड गाइस इसको गेनिंग करनी है। और जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है, और जितने लोगों को टाइम हो गया होगा, मतलब जिम करते करते, उनको भी गेनिंग करनी है, उनके अंदर डाउट है क्रिएटिन ले कि ना ले, मतलब बिगनर लें, एडवांस लें, इंटरमीडिएट लें, तो इस वीडियो में सारी आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मुझे अभी गेनिंग करनी थी, विंटर सीजन चल रहा है तो गेनिंग का सीजन है, तो मैंने सोचा क्रिएटिन ले लेता हूं। तो अभी मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरा वेट था 68-69, ना बढ़ रहा था ना घट रहा था कुछ टाइम पहले, तो मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दिया है। क्या भाई लोग, मेरा और ध्रुव का वेट बढ़ेगा हम लोग क्रिएटिन लेंगे तो? डेफिनेटली बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। बस आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए कब कैसे और कितना लेना है, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपना वेट गेन कर ले जाओगे। भाई लोग क्रिएटिन लेने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको दिमाग में रखनी है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एंड ये पॉइंट मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे मैंने क्रिएटिन ले लिया तो उससे मेरा वेट कैसे गेन हो जाएगा, मतलब कैसे वर्क करता है वो? क्रिएटिन मैंने काफी वीडियो में बताया कैसे काम करता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है मैंने, चलो इन शॉर्ट बताया तो आप लोगों को। जब क्रिएटिन लेते हो तो आपकी बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है। जब एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जबकि स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप हैवी लिफ्ट कर पाओगे जिम में, तो आपकी बॉडी का साइज भी बढ़ने लगेगा। क्रिएटिन का एक और काम हेल्प्स ब्रिंग्स वाटर इनटू द मसल्स, दिस ट्रिगर्ड द ऑस्मोटिक सेंसर ऑफ योर बॉडी। एंड जैसे ही ऑस्मोटिक सेंसर को सिग्नल जाता है, आपकी बॉडी में एनाबॉलिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है, आपकी मसल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। क्या सच में भैया, मतलब मेरी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो मेरी बेंच प्रेस सिर्फ 50 kg जाती है। 100% बढ़ जाएगी यार, मतलब अभी क्रिएटिन जैसे तुम्हारी बॉडी में सैचुरेट हो जाएगी, मतलब क्रिएटिन जैसे तुम लेना स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जैसे मैंने बताया तुमको, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो आप अभी जो नॉर्मल वेट लिफ्ट करते हो उससे हैवी लिफ्ट करने लगोगे। या मैंने क्रिएटिन ले लिया तो अब उसको कंज्यूम कैसे करूंगा मैं? तुम्हें मतलब रिजल्ट जल्दी चाहिए या नॉर्मल चाहिए आराम से? जल्दी चाहिए भैया। देखो भाई लोग, बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होती है, दो तरीके होते हैं लेने के, लोडिंग और नॉर्मल। मतलब काफ़ी लोगों के अंदर डाउट होता है कि क्रिएटिन लोडिंग क्या होता है, लोडिंग कैसे काम करता है, मतलब लोडिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो देखो लोडिंग क्या होता है, जब आप क्रिएटिन एक दिन में अबाउट 15 ग्राम क्रिएटिन लेते हो, इसे लोडिंग फेज कहते हैं। मतलब एक दिन को 15 ग्राम क्रिएटिन लेना है, ऐसा नहीं एक बार में नहीं लेना है आपको, 5-5 ग्राम के आपसे डोजेज लेने हैं। मतलब आपने जिम के बाद ले लिया, आपने फिर दोपहर में, फिर एक टाइम मतलब इवनिंग में आपने ले लिया, लोडिंग करनी है आपको 7 दिन तक करनी होती है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में क्रिएटिन बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है, मतलब 7 दिन के अंदर सैचुरेट हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो आपको रिजल्ट जल्दी दिखने लगते हैं। नॉर्मल क्या होता है, क्रिएटिन जब आप लेते हो, मतलब सर्विंग साइज के हिसाब से 3 ग्राम और 5 ग्राम में क्रिएटिन लेते हो डेली, तो आपकी बॉडी में थोड़ा मतलब 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं। मतलब 1 महीने बाद आपकी बॉडी क्रिएटिन सैचुरेट करने लगती है, तो आपको रिजल्ट तब देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम आराम से लो, मतलब सर्विंग साइज के हिसाब से लो, 3 ग्राम और 5 ग्राम के हिसाब से लो। मतलब 15 ग्राम लोगे तो मतलब एथलीट्स वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा मतलब जो एडवांस लेवल पे होते हैं उन लोगों के लिए ठीक है। क्रिएटिन को प्री वर्कआउट में लेना चाहिए कि पोस्ट वर्कआउट में लेना चाहिए? देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्री वर्कआउट ले लेते हो या पोस्ट वर्कआउट लेते हो, बट अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेते हो तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्रिएटिन को किसके साथ यूज करना? क्रिएटिन को आप नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हो, बट अगर आपको टेस्ट इंप्रूव करना है थोड़ा, तो आप ग्लूकोज ले सकते हो, जो ऑरेंज फ्लेवर में आता है ना, वो आप ले सकते हो, थोड़ा टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा आपका, बाकी आप नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हो। अगर आप वे प्रोटीन के साथ लेते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्रिएटिन ले रहे हो। भैया मैंने बहुत सारे क्रिएटिन के बारे में सुना है, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक है, एक क्रिएटिन इथाइल एस्टर है, और एक क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड है, तो मतलब इनमें से कौन सा सही है? मतलब देखो मैं यूज़ करता हूँ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और सबसे पहले गाइस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही आया था, सबसे ज़्यादा रिसर्च इस पर हुई है, सबसे ज़्यादा सेफ सप्लीमेंट है। अब कंपनियाँ क्या है यार, देखो मतलब कैसे क्रिएटिन को महंगा किया जाए, तो कई सारे फॉर्म निकाल दिए, उसको और रिफाइन फॉर्म में कर दिया, तो मतलब उसके अलग अलग नाम कर दिए महंगे करने के लिए सिर्फ। बट मैं तुमको रिकमेंड करूँगा, बिगनर्स को रिकमेंड करूँगा कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लें। मैं भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज़ करता हूँ। या मतलब मुझे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लेना है? हाँ तुमको, और मैं बिगनर्स को मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लो। तो मैंने सुना है कि मतलब इसमें कुछ हेयर फॉल का भी इशू रहता है? देखो भाई क्रिएटिन एक बहुत सेफ सप्लीमेंट है, और अगर आपके जीन्स में है, मतलब आपके ग्रैंडफादर फादर को हेयर फॉल होता है, उनके बाल थोड़ा कम है, आपको भी हेयर फॉल हो रहा है ऑलरेडी, तो माइट भी आपको हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, अगर नहीं भी होता हेयर फॉल तो मैं ये सजेस्ट करूँगा क्रिएटिन ट्राई करो, यूज़ करो, कुछ टाइम तक रियलाइज़ करो। अगर आपको हेयर थिन जैसा इशू हो रहा है, बाल आपके झड़ रहे हैं थोड़े बहुत, आपको लग रहा है कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है, तो क्रिएटिन आप बंद कर दो, मेरे हिसाब से बंद कर दो, क्योंकि बाल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, आप उससे लुक्स आता है, आप लोगों को जानते ही होंगे,
तो क्रिएटिन कुछ दिन ट्राई करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्रिएटिन बंद कर दो। वाला पॉइंट बताइए जो आप कह रहे थे कि सबसे लास्ट में बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई लास्ट पॉइंट ये था, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, वो ये है कि आपको पानी का जो है ना इनटेक आपको बढ़ाना होगा। जब नॉर्मली पानी पीते हो ना उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। मैं तो कहता हूँ कि 5 से 6 लीटर पानी पीते हो तो आप बिल्कुल ही रिस्क से बाहर रहोगे। मेरे सामने दो लड़के थे, मतलब उनको स्टोन हो गया था, वो उस टाइम क्रिएटिन ले रहे थे, बट ऐसा नहीं कि क्रिएटिन की वजह से ही हो रहा होगा उनको, बट मतलब वो माइट भी हो सकता है, तो आपको रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, आपको 5 से 6 लीटर पानी पियोगे ना आप रिस्क से बिल्कुल ही दूर रहोगे। और तुम भी साले मतलब कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना, मतलब पता ही मेरा नाम लगा दोगे सीएम भैया ने कहा था किटिन लेने को, तो आपको भी गाइस 5 से 6 लीटर पानी पी लो अच्छा रहेगा। मतलब एटलीस्ट मैं बताऊँ 3 से 4 लीटर पियो कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज़्यादा बढ़ा पा रहे हो आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप ही का बेनिफिट, आपकी बॉडी में वाटर ज़्यादा होल्ड होगा, वॉल्यूम ज़्यादा देखेगा आपको, तो आपको ज़्यादा जल्दी साइज आपका बढ़ने लगेगा। सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए ना? हाँ भैया। और आप लोगों के आई होप सो हो गए होंगे, ना हुए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा, बट पहले फॉलो कर लेना उसके बाद मैसेज करना, और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जितने भी बिगिनर्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।